हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने NSDL की साइट से पैन कार्ड अप्लाई किया है या करेक्शन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे आप पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर आपने NSDL की साइट से अप्लाई किया है। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना है पैन कार्ड स्टेटस। पैन कार्ड स्टेटस टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद उसको स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन TN लिखा होगा। NSDL की वेबसाइट से अगर आपने अप्लाई किया है तो उसको फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा आएगा प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइप जैसे पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट हमको पहले वाला करना है, पैन और चून न्यू वाला। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना अपना। एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट का होगा, जो भी आपको मिला है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और नीचे लिखा आ रहा है वेरीफाई स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, कैप्चा कोड डालना आपको। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वो दिखाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि 15 डिजिट्स का है, और उसके बाद लिखा हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर आपका, और फिर नेम जो भी आपका पैन कार्ड के ऊपर रहेगा, कैटेगरी इंडिविजुअल रहेगी, और लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड और एंड चेंजेस फॉर करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल्स इज अंडर प्रोसेस एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि आपने जो भी न्यू पैन कार्ड या फिर करेक्शन के लिए अप्लाई किया है अपना एप्लीकेशन, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में है। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।